वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक पातशाह के मुखारबिंद से उच्चारण की हुई पावन बाणी जप जी साहिब, जो संपूर्ण श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का थीम है, निष्कर्ष है, सार स्वरूप है। संपूर्ण श्री गुरु ग्रंथ साहिब जप जी साहिब जी की ही विशद व्याख्या है। ये चिंतकों की चिंतना अनुसार कहा गया है। गागर में सागर भरने वाली ये पावन बाणी, जिसकी विचार व्याख्या करने का एक तुच्छ सा प्रयास जारी है। आज गुरु कृपा से 29वीं पौड़ी की विचार व्याख्या करने का एक वही छोटा सा प्रयास करेंगे। वाहिगुरु कृपा करे, रहमत करे और पावन वाणी आशी अनुसार हमारा जीवन बने, इसी आस और विश्वास के साथ 29वीं पौड़ी में गुरु नानक पातशाह का पावन फरमान है, भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजय नाद, आप नाथ नाथी सब जाके रिद सिद्ध अवरा साध, संजोग विजोग द्विकार चलावे लेखे आवे भाग, आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एकोवेस, आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एकोवेस। इस पौड़ी में सिद्धों और श्री गुरु नानक देव जी के मध्य वार्तालाप हो रहा है। सिद्धों ने प्रश्न किया कि हमारे पास अनेक रिद्धियां सिद्धियां हैं, जिनके फलस्वरूप हमारे भंडारों में कोई कमी नहीं आती, क्या आपके पास इनमें से कुछ है? सिद्धों का प्रश्न है कि हमारे पास इतनी रिद्धियां सिद्धियां हैं जिसकी बदौलत हमारे भंडारों में कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं आती, क्या आपके पास ऐसी कोई रिद्धियां सिद्धियां हैं? गुरु नानक देव जी का सहज जवाब था कि हमारा भंडार जो है वो ज्ञान का है और उसमें ईश्वर कृपा से कभी कोई कमी आती ही नहीं है। जैसा कि गुरुवाणी में अन्यत्र भी कहा है, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान। ब्रह्म ज्ञानी के लिए उसका भोजन ज्ञान है। अतः हमने हृदय में आत्म तत्व के ज्ञान को भोजन बनाया है, यही हमारी खुराक है और इस भोजन को मिल बांटकर खाने वाला दया भाव हमारे हृदय में सदैव बना रहता है। दया भंडारण, ये दया भाव, ये करुणा भाव कि जो कुछ उस ईश्वर की कृपा से प्राप्त है उसको मिल बांट कर खाना, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो भोजन हो, चाहे कोई अन्य पदार्थ हो, क्योंकि जीवों पर दया करना ही श्रेष्ठ पुण्य कर्म है। जैसा कि गुरुवाणी में अन्यत्र भी समझाया है, 68 तीरथ सगल पुन जी दया परवान, जिसनो देवे दया कर सोई पुरख सुजान। जिसे ये करुणा भाव, दया भाव, विनम्रता, वो परिपूर्ण परमात्मा बख्श देता है, जिसकी झोली में ये दात डलती है, पड़ती है। क्योंकि 68 तीर्थों का जो स्नान है उससे भी ऊंचा रुतबा बताया है जीवों पर दया करने का। जिसनो देवे दया कर, और दया करके तरस खा के जिसको ये दान बख्श देता है, सोई पुरख सुजान, वही सुजान है, वही बुद्धिमान है, वास्तव में उसे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई है। दया भाव के बिना कोई वस्तु बांटी नहीं जा सकती, इसलिए वास्तविक भंडारण दया ही है। प्रत्येक शरीर के अंदर जो प्राणवायु यानी धड़कन चल रही है, अर्थात तू ही तू का जो निरंतर जाप हो रहा है, यही उस ईश्वर के जय घोष के नाद बज रहे हैं। भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजय नाद, वो नाद, वो अनहद धुन, वो क्या है? जब तू ही तू की धुन उठती है तब मैं मेरी मिट जाती है। अब जब मैं मेरी मिट जाती है, जब तब जहां देखा जाए जित देखा तित तू वाली अवस्था प्राप्त हो जाती है। अब आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध अवरासाद, हमारा नाथ यानी हमारा स्वामी वो परिपूर्ण परमात्मा आप ही है। सारी सृष्टि जिसके कंट्रोल में है, जिसके वश में है, और जिन रिद्धियों सिद्धियों का जिक्र तुम करते हो उनका अलग ही रस है, अर्थात हमारे लिए तो ये सब नीरस हैं। हमें इन रिद्धियों सिद्धियों से कोई रस की प्राप्ति नहीं होती। वैसे भी जब किसी को रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त होती हैं, वो किसी को वरदान देगा, किसी को श्राप देगा, और जब वरदान और श्राप फलीभूत होने लगेंगे तो उसके अहम को
और बल मिलेगा, यानी उसका अहंकार जो है और बढ़ जाएगा। रावण सरीखे, हरणाकश्यप जो है उस सरीखे, उन्होंने भी बहुत रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त कर ली थी, बहुत जप तप किया और उन्होंने जो वरदान मांगे, पर उन वरदानों का क्या सदुपयोग हुआ? वो दुरुपयोग ही किया गया उसका। इसलिए गुरु पातशाह कहते हैं कि ये रिद्धियां सिद्धियां, इनमें हमें रस आता ही नहीं है, ये हमें चाहिए ही नहीं है, क्योंकि रिद्ध सिद्ध नामे की दासी, जहाँ ईश्वर का नाम जपा जाता है, रिद्धियां सिद्धियां तो उसकी दासियां हैं, हाथ बांध कर खड़ी रहती हैं कि हमारे लिए क्या आदेश है। लेकिन जब नाम में किसी को रस आ जाता है तो ये सब चीज़ें उसे नीरस प्रतीत होती हैं, अर्थात हमारे लिए तो ये सब नीरस हैं, क्योंकि इन सब में ईश्वर के नाम का परम आनंद नहीं है, अपितु झूठे संसारी पदार्थों का निसार है रस, निसार रस यानी जिसमें कोई रस कोई आनंद ही नहीं है। अतः गुरुदेव के चिंतनानुसार योगियों में एक रसद, भोजन बनाने में प्रयोग में लाई जाने वाली सामग्री आदि लाने वाला तथा दूसरा बांटने वाला होता है, लेकिन ये दोनों उस ईश्वर की संयोग और वियोग रूपी सत्ता है जो समस्त जीवों को उनके लिए किए गए कर्मों के अनुसार सुख दुख बांट रहे हैं। संयोग वियोग दुई कार चलावे लिखे आवे भाग, सबको अपने कर्मों के अनुसार फिर ये प्राप्त होते हैं सुख और दुख। जीव द्वारा किए गए पूर्ववर्ती कर्मों के अनुसार ही अकाल पुरुष की दरगाह में समस्त जीवों को अपना अपना हिस्सा मिलता है सुख और दुख का। वस्तुतः गुरु कृपा से ही जीव यह गूढ़ रहस्य समझ सकता है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, उसकी रजा उसके हुक्म के अनुसार ही जगत में जीव इकट्ठे होते हैं, पिछले कर्मों के अनुसार ही जीवों के साथ संबंध बनते हैं, उसके हुक्म और जीवों द्वारा किए गए कर्मों के संस्कारों के फल स्वरूप ही सुख और दुख प्राप्त होते हैं, जैसा कि गुरुवाणी में अन्यत्र भी इसी तथ्य को स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार नानक बोलन झकना दुख छड़ मंगिए सुख, कहते वो बोलना बिल्कुल विवाद है, टक्कर मारने के समान है। नानक बोलन झकना दुख छड़ मंगिए सुख, दुख को छोड़कर हम सुख मांग रहे हैं, सुख दुख दुई दर कपड़े पहरे जाए मनुख, कहते सुख और दुख तो उस परमात्मा के द्वारा मिले हुए दो कपड़े हैं जिनको पहनना पड़ेगा और हर हाल में पहनना पड़ेगा। लेकिन जिथे बोलन हारिए तिथे चंगे चुप, कहते हैं जहां पर सारा बोलना व्यर्थ चला जाए, सब कुछ अपना दाव पे लग जाए, कहते हैं वहां चुप अच्छी है। चुप अच्छी भाव कि वो परिपूर्ण परमात्मा जो घट घट के जानने वाला है, उस परिपूर्ण परमात्मा को अगर हम बार 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 कुछ हम मांग रहे हैं, हो सकता है हमें मिल भी जाए, लेकिन ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक सिक्का है जिसको हम उठाएंगे, उसके साथ सुख और दुख दोनों जुड़े हुए हैं, लेकिन हम चाहते हैं केवल सुख और केवल सुख मांग रहे हैं, या तो हम उस सिक्के को छोड़ने की हिमाकत करें, नहीं तो उस सिक्के के साथ दोनों ही चीज़ें साथ जुड़ी हुई हैं, सुख और दुख ये निरंतर चलते रहते हैं। वस्तुतः उसकी रजा में रहना ही सर्वोत्तम है। जब जीव हृदय से स्वीकृत कर ले कि मेरे दुखों का कारण कोई और नहीं, मेरे ही द्वारा किए गए कर्म हैं, तो वह अपने कर्मों को अर्थात अपनी करनी को श्रेष्ठ करते करने का जो है प्रयास करेगा, वो किसी को दोष नहीं देगा। दद्दा दोष ना देव किसे, दोष कर्मा अपनिया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजिए अवर्जना, ये गुरबाणी का कथन है। तो गुरबाणी में समझाया गया है कि किसी को दोष मत दो, दोष अपने कर्मों का है। अगर हमने नेक कर्म किए हैं उसका जो फल हमें मिलना है, तो बुरे कर्मों का फल भी तो हमें ही मिलना है। इसलिए जब ये समझ आ जाती है गुरु कृपा से, तो बंदा केवल अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करता है, सवारने का प्रयास करता है अपने जीवन को, उसके जीवन में सहजता आएगी, उसे समझ आ जाएगा कि बीता हुआ समय तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन वर्तमान में शुभ व नेक कर्म करते हुए भविष्य को तो सवारा जा सकता है। इस पौड़ी के अंत में श्री गुरु नानक देव जी का यही फरमान है
कि श्री गोरखनाथ के स्थान पर हमारी आदेश जो है, हमारा नमस्कार जो है, उस परिपूर्ण परमात्मा वाहिगुरु के चरणों में है, जो सबका मूल है, रूप रंग से अलग है, आदि अंत से रहित है, तथा युगो युगांतरों से एक ही रूप में व्यापक है। अतः वह सत्य स्वरूप है, सदा स्थिर रहने वाला है, सदा कायम रहने वाला है, सदा अटल रहने वाला है। ये जगत पसारा उसी का रचाया हुआ है, उसकी मौज में आया तो उस परमात्मा ने ये इतना फैलाव किया, प्रसार किया। जब उसकी मौज में आएगा इसको समेट लेगा। इसलिए उस परिपूर्ण परमात्मा के हुक्म के बिना कुछ भी नहीं है। प्रकृति का कण कण उसके हुक्म में ही कार्यरत है। एक बंदा ही है जो उसके हुक्म की अवहेलना करने का दुस्साहस करता है। इसलिए गुरबाणी का पावन संदेश है, जिस ठाकुर स्यो नाहीं चारा ताको कीजे सद नमस्कारा। जिस परिपूर्ण परमात्मा के आगे तेरी असल में कोई पेश नहीं जाती, तो ऐसे उस परिपूर्ण परमात्मा के आगे हुक्म नहीं चलाया जा सकता। कहीं बने अरदास, तू अरदास कर सकता है। ये उस परिपूर्ण परमात्मा की तरफ से हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता है, ये अधिकार है कि उस परिपूर्ण परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, उसके आगे वो अपनी अनुनय विनय कर सकता है, बेनती कर सकता है, मांगे रख सकता है। पर ये ना हो कि सारा जीवन हम दुनियावी पदार्थ ही मांगते रह जाएं, और अंततः क्योंकि इनमें से कुछ साथ जाना नहीं है, और फिर केवल पछतावा ही शेष रह जाता है। गुर कृपा से जिनको ये समझ आ जाती है कि संयोग विनियोग दुई कार चलावे लिखे आवे भाग, अपने भाग्य में जो आएगा और उसके साथ साथ एक कर्म का जो अटल नियम है वो भी बना हुआ है। कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार, कर्मों करके ये मानव जीवन मिला है, और उसकी जो नदर, उसकी जो बख्शिश, उसकी जो रहमत होगी तो मुक्तावस्था प्राप्त होगी। लेकिन गुरबाणी जीते जी मुक्तावस्था का जिक्र करती है कि किस तरह इस संसार में विचरण करते हुए, रहते हुए, प्रत्येक दायित्व का निर्वहन करते हुए, संसार में, परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए, लेकिन इस चित्त को जो है उस निरंकार के साथ जोड़ के रखना है। हाथ पांव सब अपने कर्म में लगाने हैं, सब कुछ करना है, पलायन नहीं करना है, लेकिन इस चित्त को, अपने मन को उस परिपूर्ण परमात्मा के चरणों में जोड़ के रखना है। क्योंकि हमारे जीवन का असल मनोरथ यही है। गुरु पातशाह के तीन पावन सिद्धांत है, कीर्त करो, नाम जपो और वंड छको, मेहनत की कमाई, एक परमात्मा की आराधना, और फिर मिल बांट के खाना, तभी ये जीवन जो है आनंद भरपूर हो सकता है, सुखमय हो सकता है। ईश्वर कृपा करें, रहमत करें, ये सतगुरु की वाणी, ये धुर की वाणी है। धुर की वाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई, सारी चिंताओं से मुक्त करने वाली पावन वाणी है। इसको पढ़ के, सुन के, विचार के, इस पर अमल करने का हमारा स्वभाव बन जाए। क्योंकि बार बार जो कर्म हम रिपीट करते हैं उसके संस्कार बनते हैं। संस्कार स्वभाव में तब्दील कब हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता, लेकिन अगर ये प्रयास जारी रहेगा तो एक ना एक दिन, नामुमकिन कुछ भी नहीं है, बेशक विकारों का बहुत कलयुगी प्रभाव है, लेकिन उस परिपूर्ण परमात्मा की अथाह समर्थता, अनंत शक्ति, क्योंकि वह सब कुछ करने और करवाने में समर्थ है। हमारी सोच अच्छी बने, हम गुरु चरणों में बस अनुनय विनय करें कि हे वाहिगुरु, जैसा कि तीसरे पातशाह गुरु अमरदास जी ने की है, जगत जलंदा रख लै अपनी कृपा धार, जित दुआरे उभरे ते तेले उबार। ईर्षा द्वेष में जल रही इस मानवता को हे वाहिगुरु, हे परमपिता परमात्मा, जिस भी द्वार से, उन्होंने किसी धर्म विशेष की बात नहीं की, किसी भी इस तरह से मजहब की बात नहीं की, केवल हे वाहिगुरु आप कृपा करके इस ईर्षा द्वेष वैमनस्य की आग में जल रही इस मानवता को जिस भी द्वार से, जिस भी ढंग से, जिस भी युक्ति से, आप इन्हें अपने चरणों की प्रीत बख्श के और इनका उद्धार करो।
तो इस समुच्ची मानवता के लिए अरदास है, और समुच्ची मानवता के लिए जो सरबत के भले की जब अरदास होती है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत का भला, तो उसमें हमारा भला स्वतः ही छिपा होता है। फिर हमें अपने लिए विशेष तौर पर कुछ अलग से कहने की करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वाहिगुरु रहमत करे, गुरु कृपा करे, ये पावन बाणी हमारे हृदय घरों में बसे, इसके अनुसार हमारा जीवन बने, ताकि इसकी बदौलत ये लोग सुखी पर लोक सुहेले नानक हर प्रभु आप में लेके अवस्था बन सके। किसी भी तरह की कोई त्रुटि, कोई गलती उच्चारण में, वाणी के उच्चारण में हो गई हो तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर अगली पौड़ी के साथ ये निरंतरता बनी रहेगी। वाहिगुरु सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखिए। तब तक के लिए आज्ञा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।